सभी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मंगलवार देर शाम छोला शंकर नगर में सतगुरु संत रविदास कल्याण फाउंडेशन भोपाल द्वारा मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाने के उद्देश्य कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें यूपी सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। वहीं कांग्रेस मंडल अध्यक्ष टीआर गहलोत ने बताया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के हाथरस में हमारी बहन मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर उसकी जीभ भी काटी गई, उसके बाद भी अभी तक मनीषा के कातिल जिंदा हैं। कहीं ना कहीं यूपी सरकार उन कातिलों को संरक्षण दे रही है। आइए देखते हैं ये खबर आदिल खान के साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नाम बताइए जरा। मैं टीआर गहलोत, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष, ये कांग्रेस मंडल अध्यक्ष इसी क्षेत्र से आता हूँ। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मनीषा को लेकर के? हाँ, मनीषा के जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या जो लोगों ने करी है, हम फांसी की मांग करते हैं। भाजपा सरकार जब भी जहाँ भी आती है वहाँ पर यही अत्याचार दलितों के ऊपर होता है। आप ये मध्य प्रदेश में देख लीजिए, भाजपा की सरकार है, खरगोन में देख लीजिए, छतरपुर में देख लीजिए, और भोपाल में बैरागढ़ में देख लीजिए। भाजपा सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ, ये बेटी कहाँ बचाते हैं? ये सत्य कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, इनसे बेटी बचाने पड़ेगी। ये हत्यारों के साथ देते हैं, ये हत्यारों के बचाव करते हैं, इनसे बेटी बचाना है तो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो भी सरकार को बर्खास्त करो, योगी सरकार को, केंद्र सरकार में बैठे बड़े योगी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, एक कभी इनने दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, या मंत्री हो या संतरी कहते हम चौकीदार हैं, किस चीज़ की चौकीदारी कर रहे हैं? हम बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, बेटियां निर्मम हत्या हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं, ये बेशर्माई पे तुले आए और हत्यारों को बचाते हैं और मिलने जाते हैं जेलों में। आप देखिए, यहाँ पर ही कहा था बैरागढ़ में, हमारे कहा थे जो शर्मा जी विधायक हैं और क्या कहते विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वो उनसे उसका कॉन्टैक्ट है, इनको शर्म नहीं आती है, कहते बेटी बचाओ। वास्तव में ये सही कर रहे हैं, इनके राज्य में बेटी बचाना मुश्किल हो रही है। ये संरक्षण दिए हैं ये हत्यारों को। ये जब भी कुलदीप सिंह सेंगर हो या चिन्मयानंद हो, इनके सारे कनेक्ट हत्यारों से रहते, बलात्कारियों से, ये बलात्कारी पार्टी मानी जाए, इनको बड़ी शर्म नहीं आती है। योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है कि हम ऐसे हत्यारों को फांसी पे लटकाएं? हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यही सब टीम कहती है कि इनको हत्यारों को फांसी पे चढ़ाइए, किसी भी हालत से फांसी पे, हम फांसी की मांग करते हैं, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, सारे गुंडे सारे माफिया ये बिल में घुस गए थे। जैसे ही भाजपा सरकार आ गई, देख लो बिल में से बाहर आके अत्याचार मचाने शुरू कर दिया। ये चुनी हुई तो सरकार है नहीं, खरीदी हुई सरकार है, इनको तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है। देखो छतरपुर में क्या हो रहा है बेटियों के साथ में, बलात्कार के दिन प्रतिदिन इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमें तो मांग है आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा सरकार कहीं भी हो, हमारे चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देते चाहते हैं जनता को, भाजपा सरकार कहीं भी हो इसे उखाड़ फेंके। ये संरक्षण देती है भाजपा गुंडों को, बलात्कारियों को, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, इनको बर्खास्त करना ही सबकी सुरक्षा है, नहीं बेटियों की सुरक्षा नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम मुन्नालाल अहरवार है, मैं संत शिरोमणि रविदास फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ भाट भोपाल से। मैं ये चाहता हूँ, ये जब भी योगी सरकार आती है या भाजपा सरकार आती है, गरीब अत्याचार गरीबों ही पे करते हैं, दलितों ही पे अत्याचार करते हैं, आम लोग पे क्यों नहीं करते? ये 56 इंच का सीना आप कहाँ गया? इनका जो 56 इंच का सीना बताते हैं, अब कहाँ गया वो? ये कहीं ना कहीं सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लगाती है, उसके चलते इस तरह
बेटियों का दुर्व्यवहार होना क्या उचित? ये दुर्व्यवहार करते हैं, ये इनकी गवर्नमेंट के अंदर होता है, दूसरी पार्टी के अंदर क्यों नहीं होता? जब दूसरी पार्टी केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती तब नहीं होता, इनके राज्य में हो रही है, इनके केंद्र में हो रही है, इनके होते हुए ये होता है। ये बोलते बेटी बचाओ, ये बेटी बचाने का काम थोड़ी करते, इसके अनुरूप काम करते हैं। ये तो इनका नारा है सिर्फ, ये कहते हैं हम ऐसा काम करेंगे, आप बचा के देखो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।